हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडे न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक्समैन फ्रेंचाइज की एक और अपकमिंग मूवी एक्समैन द डार्क फीनिक्स। डार्क फीनिक्स एक ऐसी मूवी है जो कि मार्वल फैंस को काफी ज्यादा तड़पा रही है। इस मूवी ने काफी ज्यादा परेशान करा, इसकी रीशूट, इसकी डिले पे डिले, शूटिंग पे शूटिंग, और देन फाइनली इस मूवी को रिलीज होना था 2017 में दिसंबर के महीने में, पर इस मूवी को डिले कर दिया गया, फिर 18 में करा गया, फिर 19 में, और आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा डिले हो गया। अब फाइनली कोई बात नहीं, तो इस मूवी की जो रनिंग टाइमिंग है ऑफिशियली वो है 2 घंटे। जी हाँ, यानी कि ये मूवी आपको सिर्फ 2 घंटे की देखने को मिलेगी थिएटर में, और ये मूवी लास्ट मूवी होने वाली है एक्समैन सीरीज की। उसके बाद आप जानते हो कि डिज्नी और फॉक्स आराम से मिल चुके हैं, तो अब जो मूवी आने वाली होंगी वो उसके बाद की होंगी। तो ये लास्ट फ्रेंचाइज मूवी है एक्समैन की, तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या नया देखने को मिलता है, और 2 घंटे में हम मार्वल फैंस को ये बिल्कुल संतुष्ट कर पाती है या नहीं, और इसके क्या ईस्टर एग होंगे, क्या पोस्ट क्रेडिट सीन होंगे, वो तो इस मूवी को देख के ही पता चलेगा। तो देखते हैं कि क्या होगा आगे फ्यूचर में। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आता है तो लाइक में शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो, या तो उस पर केबल के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।